हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हेलो, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक आउट वंस, क्या मैं आप लोगों को ऑडिबल विजिबल हूं? यस यस यस, वी आर फाइन। ओके, सब बच्चे आ चुके हैं। ओके गाइस, लेट्स बिगिन। चलिए बिगिन करते हैं हमारा धुआंधार सेशन आप लोगों के साथ, और लेट्स बिगिन इट, लेट्स क्रैक इट। ओके, हाँ, आ चुके हैं बच्चे, आ चुके हैं। जल्दी से ज्वाइन कर लो सब लोग, जल्दी से आ जाओ और ज्वाइन कर लो। सो दिस इज समथिंग अबाउट मी एंड यू कैन गो फॉर इट। दिस इज माई सेल्फ एंड आई टीच हेयर केमिस्ट्री डेली एंड वर्क मी एम, और ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। एंड आई वर्क इन द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, जहां पे मैं आप जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ डील करता हूँ और उनकी प्रॉब्लम समझता हूँ जो वो क्या फेस करता है। बेसिकली आई गिव यू अ कंप्लीट मेंटरशिप। देखो, एक पढ़ने से ही काम नहीं चलता, पढ़ाई के लिए तो बुक्स भी प्रेजेंट है। यस और नो? पढ़ाई के लिए तो बुक्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, बट होता क्या है, हर एक को एक पर्सनल गाइडेंस, एक तरीका पता होना चाहिए हमें। देखो यार, बुक्स भी प्रेजेंट है, मेहनत तो हर कोई करता है ना, मेहनत तो हर कोई करता है, जैसे गधा भी मेहनत करता है, बट कहते तो उसको फिर भी गधा ही है ना। समझ रहे हो मेरी बात? सो दैट मेक्स अ डिफरेंस कि आपको काम किस तरीके से करना है, आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है ना, आपको टॉपिक को किस हर सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है, क्वेश्चन को कैसे करना है, टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है। सो ये बहुत सारी बातें होती हैं जो एक कंबाइंड इफेक्ट एफर्ट में लगता है, टीचर्स का स्टूडेंट्स का एक कंबाइंड इफेक्ट होता है, म्यूचुअल एफर्ट होता है, जिससे आप एक सक्सेसफुल टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत है, ठीक है, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आना पड़ेगा, है ना। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आ जाओ और जल्दी ही इसको ज्वाइन कर लो। दिस इज द बेस्ट लर्निंग ऐप ऑफ द इंडस्ट्री, और एजुकेशन दैट इज कंटेंट, एजुकेटर्स, एवरीथिंग यू विल गेट, गोइंग टू गेट हियर। टेस्ट, हर एक चीज आपको मिलने वाली है। टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू एवरीथिंग, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, डेली लाइव क्लासेस, हर एक चीज आपको मिलेगी। सो आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और जाना है गेट सब्सक्रिप्शन पर, जहां पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, स्टडी मटेरियल्स, टॉप क्वालिटी टेस्ट एंड क्विजेस, एंड बाई ऑल ऑफ दीज यू कैन श्योरली इंक्रीज एनहेंस योर सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी। इन सब पैरामीटर से आप क्या कर सकते हैं, फाइनली यू कैन इंक्रीज योर सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो इट्स नाउ और नेवर, यूज द कोड HLI। जो फीस 30,000 है फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, इसको कौन अटैक करेगा जो 2021 में अटैक करने वाला है नीट को? ये कौन लेगा जो सेकेंड ईयर 2 ईयर फीस, दिस विल बी फॉर 2022 स्टूडेंट्स। ठीक है, सो यूज द कोड HLI, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा इंस्टेंटली और आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। ओके गाइस, एंड यूज द कोड HLI और आ जाए, मेरे साथ जुड़ जाए, और मेरी प्रोफाइल को फॉलो जरूर कर लें सारे बच्चे। डू फॉलो माई प्रोफाइल, फॉलो श्योरली कर लें, और मेरी प्लस क्लासेस, मेरी स्पेशल क्लासेस जो होती है डेली आप लोग अटेंड करें, उसको जितना ज्यादा अटेंड करेंगे उससे आपको XP पॉइंट्स मिलेंगे, दैट विल बी यूज टू फर्दर मोर डिस्काउंट वाइल यू आर गोइंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन। ओके गाइस, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, अपन को तो स्टार्ट करना है अभी, अपन को कहाँ से स्टार्ट करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम से। आ जाइए, केमिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट होगा। सब लोग रेडी हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पे? आर यू ऑल रेडी, यस और नो? सब सब बढ़िया है। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इट विल टेक टाइम, तो आराम से सुनिएगा, आराम से हम एक एक करके बातें इसकी करेंगे और समझेंगे इस चैप्टर को।
इसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा। तो होमवर्क मैंने तुम्हें कल भी दे दिया है, कल भी दिया था मैंने आप लोगों को होमवर्क। क्या आपने करा थर्मोडाइनमिक्स का जो मैंने होमवर्क दिया था? तुम लोगों को बोला था कि यार सर बेटा कुछ क्वेश्चन है ये जरूर कर लेना अपने से, दैट विल बेनिफिट यू। क्योंकि जेई मेंस का अगर तुम पेपर एनालिसिस करोगे ना, अगर आपने एनसीईआरटी बढ़िया कर रखी हो तो आप नीट या जेई मेंस भी फोड़ देते हैं। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, केमिस्ट्री की, ठीक है? तो मैं केमिस्ट्री का एकदम श्योर एंड शॉर्ट बता सकता हूँ आपको कि भाई क्या हो रहा है, क्या पूछा जा रहा है और आपको किस टॉपिक पे मेहनत करने की जरूरत है। चलिए, अगर कोई अगर आपको कहीं पे भी कहीं से डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए, ओके, इट्स माय फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, इट्स अ लास्ट चैप्टर ऑफ बुक पार्ट वन ऑफ केमिस्ट्री। चलो ओके, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम समझे आप लोग? वेरी गुड वेरी गुड, कर लिया तो बहुत अच्छा। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात, ये डेडिकेशन होना चाहिए आपका, है ना? ये आपको चाहिए तो चाहिए, नीट में सिलेक्शन होना है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो सिलेक्शन करवा के ही रहना है, ये जिद होनी चाहिए आपके। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे नीट का पेपर आखिरी हो उसके बाद दुनिया खत्म हो जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे नीट में सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, है ना? दिस शुड बी योर डेडिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं गाइस। सो इक्विलिब्रियम, सो इक्विलिब्रियम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है O2 फॉर एग्जाम्पल, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं, जो प्रोटीन एंड द प्रोटॉन हीमोग्लोबिन प्लेज अ क्रूशियल पार्ट इन डिलीवरिंग O2 फ्रॉम लंग्स टू आवर मसल्स। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग CO मॉलिक्यूल्स एंड होमोजीनियस अकाउंट फॉर द टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जैसे मैं अगर आपको बात करूँ इक्विलिब्रियम की, बच्चा लो सो इक्विलिब्रियम में होता क्या है, इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अपन जनरली बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा जैसे स्टैटिक है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दो तरीके के आपने पढ़े होंगे। तो बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ टाइप ऑफ, केमिकल इज अ इक्विलिब्रियम इज अ टाइप ऑफ स्टैटिक या डायनेमिक, एनी आइडिया किस टाइप का होता है केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चा? स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है, जल्दी से बताओ। केमिकल इक्विलिब्रियम किस टाइप का होता है बच्चा लोग, स्टैटिक और डायनेमिक? कमेंट करके बता दो, स्टैटिक होता है? नहीं बेटा नहीं, एकदम गलत कह रहे हो, एकदम गलत। केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ टाइप ऑफ, केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ टाइप ऑफ जो केमिकल रिएक्शंस में लगता है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। बच्चा लोग कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। कौन सा इक्विलिब्रियम होता है ये, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, समझे मेरी बात? स्टैटिक नहीं, देखो आधे बच्चे तो यहीं पे फिसल गए। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैं आपको एक बात समझाऊं, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, कि मेरे पास ये मार्कर है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस मार्कर, ठीक है? और इस मार्कर को मैं राइट हैंड साइड से भी यहां से भी पुश कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से भी पुश कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये मूवमेंट कर रहा है, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। बट अगर मैंने इसका क्या करा, मैंने दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा लिया, दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिया, तो ये मूवमेंट नहीं है, दिस इज अ टाइप ऑफ स्टैटिक वन। ये कौन सा है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी बात सुनिएगा, आप लोग दिन भर में नहाते तो होंगे, एक 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 वर्क करते होंगे, दिन भर में एक काम तो करते ही होंगे, सारे बच्चे पढ़ाई करें नहीं करें हम लोग नहाते जरूर है ना? तो सपोज आपने क्या करा, आपने आपने नहाना स्टार्ट करा और यहाँ से टैप वाटर से टैप से यहाँ पानी आता जा रहा है, यहाँ से पानी गिरता जा रहा है। मान लीजिए ये किस रेट से गिर रहा है, R1 रेट से गिर रहा है, ये पानी यहाँ पे गिर रहा है इस बकेट में R1 रेट से, ठीक है? और ये पहुंच गया है H हाइट तक, ये फिल हो गई है बकेट आपकी H हाइट तक। बट आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम समझना है, तो मैं आपको इक्विलिब्रियम यहाँ पे समझाता हूँ। आपने क्या करा, उसी टाइम यू क्रिएटेड अ होल, उसी टाइम यू क्रिएटेड अ होल हियर। अब होल इस हिसाब से रेडी करा आपने, कि होल इस हिसाब से बनाया आपने कि यहां से जो पानी एमिट आउट हो रहा है, यहां से जो पानी निकल रहा है और यहां से जो पानी आ रहा है, तो ये आर इनपुट मान लो और रेट आउटपुट मान लो। तो हमारा क्या है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट,
मतलब जो टैप वाटर वहां पे टैप वाटर बकेट में गिर रहा है और जितना टैप वाटर बकेट से बाहर निकल रहा है, दोनों का रेट क्या हो? इक्वल हो। दोनों का रेट क्या हो? इक्वल हो। अगर इक्वल हो गया तो हाइट क्या चेंज होगी क्या उस पॉइंट पे? अगर रेट ऑफ इनपुट और रेट ऑफ आउटपुट अगर इक्वल हो गए, क्या बच्चों मुझे बताओ ये एच की वैल्यू चेंज होगी क्या? हाइट क्या कम होगी या ज्यादा होगी या क्या होगी? जल्दी से कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ बच्चों। मैं बेसिक से एकदम अच्छे से पढ़ा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, जल्दी से बताओ हाइट क्या कम होगी क्या ज्यादा होगी या कैसे होगी? यस, वेरी गुड। हाइट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। हाइट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। हाइट कैसी होने वाली है? हमेशा कॉन्स्टेंट रहने वाली है। स्मॉल हाइट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट, नो चेंजेस देयर। बट आप एक बात को ध्यान रखो, यहाँ पे मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं ना। पानी के मॉलिक्यूल पहले यहाँ थे फिर निकल रहे हैं, पर मॉलिक्यूल तो पानी का बदल रहा है ना, नया आ रहा है पुराना जा रहा है, नया आ रहा है पुराना जा रहा है, ऐसा तो हो रहा है मॉलिक्यूल साहब। बट द चेंज यू कांट सी, चेंज कांट बी सीन बाय योर सेल्फ। कि जो यही सीन, ये इसे बोलते हैं अपन, इसे बोलते हैं बच्चों अपन, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं हम? हाँ, इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं हम डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। समझ आई बात सारे बच्चों को? इसी को क्या बोलते हैं? इसी का पॉइंट क्या होता है अपना? डायनामिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? इसी को क्या बोलते हैं हम? डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। समझ आती है बात सभी को? अंडरस्टूड। लाइक और शेयर करो और अपने अपने दोस्तों को बुला लो, ठीक है? चलो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है और इसमें इससे दो क्वेश्चन पक्के आने हैं। दो क्वेश्चन मान के चलना इस पूरे चैप्टर के, दो क्वेश्चन तो मिनिमम है जो NEET 2020 में पूछे जाते हैं। मतलब 8 मार्क्स को लॉक कर रहे हैं अपन आज की। और ज्यादा इतना ऊपर नीचे क्वेश्चन नहीं आता, लॉजिक पे बेस्ड आता है, लॉजिकली, ठीक है? चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव, मतलब हर एक जगह अगर मैं आपको बात करूं कि भाई एक ये प्रोसेस है, जैसे कि H2O लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होना, ठीक है? तो यहाँ पे भी अगर आपने ये वेपर को, जैसे मान लो H2O लिक्विड में, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका पानी है, यहाँ पे आपका पानी है, यहाँ पे पानी है, आप थोड़े थोड़े वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जो लिक्विड वेपर से जा रही है उतनी ही वेपर लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रही है। मतलब एक इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट हो गया, ठीक है? दोनों की रेट, लिक्विड टू वेपर जाने की और वेपर से लिक्विड आने की रेट कांस्टेंट हो जाने वाली है, दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे जो पॉइंट पे प्रेशर आता है दैट विल बी नोन एज योर, इसका पी नॉट ऑफ H2O, दैट विल बी योर एक्वस टेंशन एट दैट टेम्परेचर, दैट विल बी योर एक्वस टेंशन ऑफ दैट टेम्परेचर, ठीक है? समझे? सो द स्टेज इज कम। अब मैं बता देता हूँ, अब कुछ बातें हैं, कुछ मिसकंसेप्शन है बच्चों के बारे में, कुछ मिसकंसेप्शन है बच्चों को कि सर इक्विलिब्रियम कब सेट होता है, क्या इक्विलिब्रियम कब सेट होगा? तो वो मिसकंसेप्शन मैं दूर कर देता हूँ बच्चों। बहुत से जो यहाँ पे लिखा है उसको मैं पहले समझा देता हूँ, फिर अपन इसको रीड करेंगे। कुछ बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि सर ये ए से बी जा रहा है, ए से बी जो जा रहा है हमारा, ए आपका रिएक्टेंट है सर और बी आपका प्रोडक्ट है सर, ए आपका रिएक्टेंट है सर और बी आपका प्रोडक्ट है। तो बहुत से बच्चों को मैं अगर ये बताऊं कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अंडरस्टूड माय पॉइंट? इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन, कभी भी कहीं पे भी लग सकता है वो। समझे मेरी बात? इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन टू, मतलब इक्विलिब्रियम कैन बी पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। समझे मेरी बात को? यस। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक टू यू, जी, एकदम सही। जैसे कि इफ आई वॉन्ट टू टेल टू यू दैट फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन 50% रिएक्शन खत्म हुई तब इक्विलिब्रियम पॉइंट आया। हाँ, ये भी सही है। आप कहो कि सर 10% या 5% खत्म हो गई रिएक्शन तब इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। हाँ, ये भी यहाँ पे भी आ सकता है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्या आप कहो कि
सर 95% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, अब इक्विलिब्रियम आया। हाँ यहाँ पे भी आ सकता है, बट इन तीनों पे होना क्या चाहिए, इन तीनों पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अंडरस्टूड? यही पॉइंट यहाँ पे समझा रहा हूं मैं, यही पॉइंट को मैंने यहाँ पे समझाया है। द रिएक्शन दैट प्रोसीड्स नियरली टू कंप्लीशन, नियरली टू कंप्लीशन मतलब 90 to 95% वो कंप्लीट हो चुकी है बच्चा, 90 to 95% वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड ओनली नेग्लिजिबल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर लेफ्ट, इन सम केसेस इट मे नॉट इवन बी पॉसिबल टू डिटेक्ट दीज एक्सपेरिमेंटली। द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इन विच ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स रिमेन अनचेंज एट इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है, द रिएक्शन इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंपेरेबल व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये तो बात कर रहा है कि भाई ये वाला पॉइंट है जब 90-95% खत्म हो जाए, ये पॉइंट है जब 5 से 10% ही रिएक्शन हो, ये पॉइंट है जब 50-50% हो, दैट इज द पॉइंट, ये पॉइंट है जब 50-50% हो, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, सो मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप होना, दैट विल बी केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं अपन। ठीक है, और आयंस के बीच में जब सेटअप होगा, दैट विल बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ आर आयोनिक इक्विलिब्रियम, दैट विल बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ आर आयोनिक इक्विलिब्रियम। समझ आ रही है बात सभी को? दैट विल बी नोन एज योर आयोनिक इक्विलिब्रियम। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेसेस में अपन सब जानते हैं, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन, लिक्विड से गैस कन्वर्जन, सॉलिड से गैस कन्वर्जन। अब इनमें एक बेसिक बेसिक एग्जांपल दे रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। H2O सॉलिड से लिक्विड भी चेंज होता है, हम सबको पता है। ठीक है, जब भी कोई प्योर सब्सटेंस अंडर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। Both the opposing processes occur simultaneously. Both the processes occur at the same rate, so the amount of ice and water remains going to be constant. Liquid vapor भी H2O liquid से vapor, इसमें कोई बताने वाली मतलब इतना आप सभी को पता है कि भाई कब होगा equilibrium set, जब rate of evaporation rate of condensation के equal आ जाए, that is the point. और अगर हम solid vapor equilibrium की बात करेंगे तो जब H2O solid आपका I2 सॉलिड वेपर में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी आ जाए, तो ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। अब इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड और गैस इन लिक्विड। ठीक है, इक्विलिब्रियम कम आता है, कब आता है? जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, देन यू विल गेट द इक्विलिब्रियम। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ एवरीथिंग। ये सारे प्रोसेस जो दे रखे हैं ना इतने बड़े बड़े, ये कंक्लूजन पढ़ना इंपॉर्टेंट है अपने को, वो उसी में कि भाई लिक्विड से वेपर जा रहा है। सो कंक्लूजन, कब इक्विलिब्रियम आता है? फीचर्स इक्विलिब्रियम पे हम क्या देख सकते हैं? प्रेशर H2O कॉन्स्टेंट एट टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ H2O इज कॉन्स्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ H2O इज कॉन्स्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। सॉलिड से लिक्विड आएगा तो मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड, सॉल्यूट टू ये सॉलिड से सॉल्यूशन आएगा तो दिस सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन इज फिक्स्ड। यहाँ पे आप देखें CO2 गैस, CO2 एक्वस, तो CO2 एक्वस अपॉन CO2 गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट, दीज पॉइंट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट वाला ग्राफ आ गया बच्चा। अब शैतानी नहीं, अब ध्यान से सुन लेना मेरी बातें, अब अपना असली चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो अब ध्यान से सुनना मेरी बातें एक एक करके। ठीक है बच्चों, सुननीगा मेरी बात ध्यान से, कि हमने ये देखा कि भाई फिजिकल प्रोसेसेस में जब इक्विलिब्रियम आया तो हमने क्या पॉइंट नोटिस किया, क्या क्या पॉइंट नोटिस करे? हमने ये पॉइंट नोटिस करा, इक्विलिब्रियम हमेशा एक तो कहां पे आएगा? क्लोज सिस्टम में आएगा। इक्विलिब्रियम हमेशा कहां पे आएगा? हम सबको पता है क्लोज सिस्टम में ही आने वाला है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो उतने ही रहने वाले हैं ना। सेकेंड पॉइंट, Both the opposing process occur at the same rate and there is a dynamic but stable condition. जैसे मैंने बोला dynamic but stable, मैंने जैसे बोला dynamic word क्यों use किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको वो dynamic word इसलिए use किया गया है कि जैसे आपको बोला था कि पानी आ रहा है tap water से और वो bucket के अंदर गिर रहा है और फिर वो निकल भी रहा है, तो वहां पर molecule change हो रहा है। इसी तरीके से chemical reaction वहां पर होती रहती है,
इसी का मतलब क्या है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, वहां पे केमिकल रिएक्शंस चलती रहती है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, एंडिंग टू स्टार्ट, बट वो चेंज आपको देखना नेग्लिजिबल है, वो चेंज आपको नहीं दिखेगा। समझ गए मेरी बात? ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या, वो जब इक्विलिब्रियम आया उस पॉइंट पे, चाहे मोल्स हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो, किसी को भी लिया हो, हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को कॉन्स्टेंट होना है। समझ आ रही है बात, कंसेप्ट हो रहे हैं क्लियर? देखो बच्चों, आज थोड़ा क्लास लंबा होने वाला है, एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से डिकोड करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा आपका, अब जरूर से आएगा, ठीक है? और बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, इक्विलिब्रियम थर्मो से भागते रहते हूँ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब इक्विलिब्रियम, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फॉर अ फिजिकल प्रोसेस, इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स पैरामीटर्स एट अ गिवन टेम्परेचर, और वी नो दैट, वी नो दिस पॉइंट, ठीक है? द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटी एट एनी स्टेज टू द एक्सटेंट विच द फिजिकल इक्विलिब्रियम हैज प्रोसीड बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रियम। और ये तो सिंपल सिंपल से पॉइंट हो गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आप लोगों को। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, अब ये केमिकल रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बात समझिए कि भाई अब अगर ए से बी कन्वर्ट हो रहा है और सी से डी कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारे लिए ये है रिएक्टेंट, जनरली अगर फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है तो ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, ठीक है? जब आर फॉरवर्ड, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है। बट अगर बैकवर्ड रिएक्शन के कंसेप्ट में देखोगे ना, तो बैकवर्ड रिएक्शन के केस में सी और डी के हो गए आपके रिएक्टेंट। समझ आ रही है आपको बात? क्योंकि ये बोलना है रिएक्शन इधर तो जा ही रही है और बैकवर्ड में भी आ रही है वापस से, तो सी और डी तो हो गए आपके रिएक्टेंट, और ए और बी इस पॉइंट पे क्या हो गए, ए और बी इस पॉइंट पे हो गए आपके प्रोडक्ट, ए और बी इस पॉइंट पे क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। तो इक्विलिब्रियम तब आएगा जब आर एफ की रेट इज इक्वल टू आर बी, यू कैन नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब जो रिएक्टेंट लेफ्ट से राइट जा रहा है उतना ही राइट टू लेफ्ट भी आ रहा है, उतना ही राइट टू लेफ्ट भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन देखो, तो अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन के पॉइंट ऑफ टाइम से देखें, तो ये कर्व है आपका, ये कर्व है आपका रिएक्टेंट का, और ये कर्व है आपका प्रोडक्ट का, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ठीक है? ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है। रिएक्टेंट क्या होता है, इसकी टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है। With time concentration is going to decrease. With time concentration is going to decrease. और product क्या है? With time its concentration is going to increase. With time its concentration is going to increase. But at a point of time, what you are going to say? थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि ये concentration constant हो जाती है, ये concentrations constant हो जाती है। समझे मेरी बात? Concentrations क्या हो जाती है? कॉन्स्टेंट हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है बच्चा? कॉन्स्टेंट हो जाती है। ये सभी को बताएं, ये सभी को समझ आया? ये पॉइंट समझ आया कि भाई हमारा क्या होगा कि यहां पे ये डिक्रीज हो गया, यहां पे ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई, यहां ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, यहां पे ये डिक्रीज हो रही है, दैट्स द पॉइंट। सही है? यही चीज हमें समझना है, यही चीज हमें समझना है। दैट्स द सेम पॉइंट इट्स गिवन हियर। सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एक एक्सपेरिमेंट भी होता है जो यहाँ पे अपन लोग करते हैं अगर लेबोरेटरी में, बहुत मजा आता है इसको करने में, ठीक है? सो एट इक्विलिब्रियम व्हाट आई वांट टू चेक यू आउट। तो इक्विलिब्रियम पे अब अपन आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम पे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो यूज होता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यही होता है ना? सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ ही यूज होता है, ठीक है? सो क्या क्या निकालेंगे हम इसमें? निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स, कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी इक्विलिब्रियम पे, कब आएगा इक्विलिब्रियम, ये सारे फैक्टर्स अपन निकालना सीखेंगे यहाँ पे। सो देखिए भाई, ये सबसे पहले आया हमारे हमारे पास सबसे पहले आए हमारे जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। आपको अगर कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है, किस किस ने दिया था? ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टडीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, नॉर्वेन, मैक्सिमल, गुडबर्ग एंड
पीटर वेज ने दिया था 1864 में, अभी अभी दिया था, है ना, तुम लोग जब जिस टाइम पढ़ते नहीं थे, खेलते थे, दैट द कॉन्सेंट्रेशन इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर रिलेटेड टू दिस इज गिवन एज दिस, केसी इज इक्वल टू, केसी मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, केसी इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एट द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किया गया जब इक्विलिब्रियम पे उनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, तो जनरली जो न्यूमरेटर में होता है वो लिखते हैं हम प्रोडक्ट्स को, और जो जनरली अपना डिनोमिनेटर में होता है वो लिखते हैं हम रिएक्टेंट्स को, ये है प्रोडक्ट्स, ये है रिएक्टेंट्स, ये है प्रोडक्ट्स, ये है रिएक्टेंट्स, समझ आ रही है आपको सभी को बात, ये है प्रोडक्ट्स और ये है रिएक्टेंट, समझ आ रही है आप सभी को बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। वेयर Kc is the equilibrium constant and the expression on the right side is called as equilibrium constant expression, where Kc is the equilibrium constant and the Kc is the right hand side में जो present है, that will be your equilibrium constant expression, और इसको बोलते हैं, ये कहाँ से आता है, ये आता है law of mass action से, law of mass action में general term अगर मैं आपके जो काम में आएगी, अगर active mass है, active mass क्या होता है बच्चों, आप ये ध्यान रखें, active mass is nothing but your concentration, और कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, मोल पर लीटर को कॉन्सेंट्रेशन बोला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे तो वही चीज दे रखी है, तो जैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, तो कैसे लिखा जाता है, कैसे इस लॉ को लिखा जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है, कि ये लॉ ये कि भाई किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन का रिएक्शन प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू देयर इंडिविजुअल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब प्रोडक्ट देखो सिंपल लैंग्वेज ये है, प्रोडक्ट को ऊपर लिखो, रिएक्टेंट को नीचे लिखो, जैसे यहाँ है, और ए स्मॉल ए बी सी डी क्या है, स्मॉल ए बी सी डी क्या है, स्मॉल ए बी सी डी जो रेड डॉट से है, जो रेड डॉट्स हैं वो क्या है, इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, और ये क्या है, ये आपके फेमस रिएक्टेंट हैं, ये आपके फेमस रिएक्टेंट हैं, और ये आपके फेमस प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके फेमस रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके फेमस प्रोडक्ट्स हैं, और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को कैसे लिखा जाता है, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, केसी को लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, उसका उसका रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डी की पावर डी उसका रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ए की पावर ए अपॉन बी की पावर बी अपॉन ए की पावर ए अपॉन बी की पावर बी, इस तरीके से इसको लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 4NH3, इसको कैसे लिखा जाएगा, ये रहा वे, बट एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे आप इस तरीके से लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ रूल होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ रूल होते हैं कि अगर रिएक्शन को अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, 1/k हो जाता है, क्या हो जाता है, रिवर्स करने पे 1/k रेसिप्रोकल हो जाता है, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया, किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, k की पावर n, जो भी नंबर से आपने मल्टीप्लाई करा है या जिस भी नंबर से आपने डिवाइड करा है, समझ आई बात। यही पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, ये प्रूव भी कर रखा है यहाँ पे इन्होंने, तो ये तीन पॉइंट पे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देख लीजिए, ये हर जगह यूज होने हैं आपने, कि हमारा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये केसी है, तो इस वाली रिएक्शन का क्या होगा, तो आपने करा क्या है, 1 और 2 में क्या रिलेशन है, 1 और 2 में रिलेशन क्या है, 1 और 2 में ये रिलेशन है कि ये रिवर्स कर दिया गया है, रिवर्स करने पर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है, समझ आ रही है बात, है ना, और मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर, किसी कांस्टेंट नंबर से, अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसी कांस्टेंट नंबर से, अगर मल्टीप्लाई कर दिया है तो KC" KC की पावर n में चल जाता है, KC" KC की पावर n में पहुंच जाता है, समझ आ रही है बात सभी को, चलिए। सो यहां पे एक क्वेश्चन भी दे रखा है इसी के बेसिस पे, कि भाई आप ये बताएं मुझे, क्वेश्चन भी कराऊंगा भाई बच्चों, क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन वर ऑप्टेंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 एंड N2 एंड H2, तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालने, सिंपल है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कैसे निकालेंगे, NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 गैस अपॉन, जस्ट अ सेकेंड,
एन टू इन टू एच टू का होल क्यूब, बिकॉज ये तो है आपके प्रोडक्ट्स, ये हैं आपके रिएक्टेंट्स, दैट इज द रीजन। और इसको निकाल लें, सॉल्व कर लें। सेम क्वेश्चन इसी तरीके से यहाँ पे भी है। आप इस बात को ध्यान रखें, बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन गिवन है बच्चों, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको क्या लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर लिखना है आपको, मोल पर लीटर वाली वैल्यू लिखनी है। बहुत से बच्चे मोल से ही काम चला लेते हैं सीधा, नहीं सर हमने तो मोल लिख दिया हो गया काम, ऐसे नहीं, कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर लिखना है आपने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। जहां पे जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम फेज में हो, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी इन द सेम फेज। तो ये एक्वस में है, ये एक्वस में है, ये लिक्विड में है, ये एक्वस एक्वस, ये गैस में है, ये भी गैस में, ये भी गैस में, ये एक्वस, ये एक्वस, ये भी एक्वस, ऑल शुड बी इन द सेम फेज, ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द होमोजीनियस सॉल्यूशन फेज, ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द होमोजीनियस सॉल्यूशन फेज। अंडरस्टूड द पॉइंट, क्लियर है बात, क्लियर है बात सारे बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं गैसियस, किसी भी गैसियस सिस्टम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो दैट विल बी के भाई अपन ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर गैसियस सिस्टम के लिए डिफाइन होता है केपी, ये तो अपन ने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में डिफाइन करा था केसी, केपी, केपी और केसी में कैसे रिलेशन निकालते हैं, तो आपको पता है क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस रिलेशन होता है, बचपन से पढ़ते हैं। और ये n by v क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, n by v क्या हो गया आपका, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, समझ आ रही है बात। सो p इज इक्वल टू सी आर टी हो गया, p इज इक्वल टू, तो kc की वैल्यू अगर आपने ये लिखी है तो kc की जगह, बिकॉज प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, कॉन्सेंट्रेशन तो एच आई इंटू आर टी अपॉन एच टू आई टू इंटू आर टी अपॉन आई टू इंटू आर टी, तो kp की वैल्यू kc के ही इक्वल आ गई। तो ये एक फंडामेंटल केसेस हैं, कुछ केसेस हैं, कुछ ही जगह आएगी, हर जगह नहीं आएगी। जब आपका डेल्टा एन जी का वैल्यू जीरो है, जब आपका डेल्टा एन जी का वैल्यू जीरो है तो आपको एक फंडामेंटल पॉइंट पता होना चाहिए, केपी का वैल्यू जो है वो ही केसी का वैल्यू होता है, बिकॉज केपी का वैल्यू जो होता है केसी इंटू आर टू आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, ये वैल्यू पता है आप सभी को, केपी का वैल्यू क्या होता है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू दावर डेल्टा एन जी, सब पॉइंट पता है, ये पॉइंट समझ आया आपको। डेल्टा एन जी अगर कैन बी लेस देन जीरो और डेल्टा एन जी कैन बी ग्रेटर देन जीरो, इट डिपेंड्स, है ना, तो उस हिसाब के केपी और के सी का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। बट अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो केपी इक्वल टू के सी हो जाता है। डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ, डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, जो हमें पता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया है इन्होंने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सारे बच्चे, ट्राई टू सॉल्व इट और आंसर बताओ मुझे, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट करना है आपको केसी का वैल्यू निकालना है इसमें, इस क्वेश्चन में केसी का वैल्यू निकालना है, और रिएक्शन दे रखी है आपको, इस इक्वेशन में केसी का वैल्यू निकालना है। सॉल्व करने का ट्राई करो सारे बच्चे, इसको सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। इक्विलिब्रियम पे सबकी कंसेंट्रेशन गिवन है यार, कुछ करना ही नहीं है, केसी का वैल्यू निकाल लेना है। इक्विलिब्रियम पे सबकी वैल्यू गिवन है, बस केसी का वैल्यू निकाल लेना है आपको, और तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, कुछ नया टेक्निक तो निंजा टेक्निक तो नहीं करनी है, निंजा टेक्निक तो कोई लगानी नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है, 1.79 है वही एग्जैक्ट वैल्यू, 1.79 है ना, 1.79 है एग्जैक्ट आंसर आया, 1.79, बहुत बढ़िया, ये रहा आंसर, कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या है, आपको फाइनल केसी का वैल्यू निकाल दो,
तो देख लो ये निकाल दिया, केसी को लिख दिया पॉइंट वन माइनस एक्स दिस दिस एंड दिस, और ये हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चा हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की। यहाँ पे देख लीजिए ये वाली इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में मुझे दूर से ही दिख गया कि डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, वन है। डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, वन है। केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी लिखना पड़ेगा, केसी का वैल्यू ये रहा, आर और टी ये रहा, यू विल गेट द आंसर, सिंपल। अब हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की क्या बात होती है बच्चों, हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बहुत स्पेशल रोल प्ले करता है अपने लिए। तो हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, जब भी हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा और उस इक्विलिब्रियम में प्योर सॉलिड और लिक्विड होंगे, ध्यान से पढ़िए, जब भी हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा और जिसमें प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होंगे, तो वहां पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस को फॉर द हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग अ प्योर लिक्विड और सॉलिड एज द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ अ प्योर सॉलिड और लिक्विड इज कॉन्स्टेंट, बिकॉज उनमें चेंज एकदम नेग्लिजिबल है, तो उनको यूनिटी कंसिडर करते हैं। मतलब क्या, मतलब ये है इसका, इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे केसी का एक्सप्रेशन लिखना चाहोगे, तो जो भी सब्सटेंस प्योर सॉलिड में है या जो भी सब्सटेंस प्योर लिक्विड में है, जो भी सब्सटेंस प्योर सॉलिड में है या जो भी सब्सटेंस प्योर लिक्विड में है, उनका कॉन्सेंट्रेशन वन मान लेना है। उन सबका कॉन्सेंट्रेशन कितना मान लेता है, वन मान लेना है, सिंपल। सो ये रहा सॉलिड प्योर, ये रहा सॉलिड प्योर, तो इन दोनों को हटाओ, इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, बस ये मिलेगा नया केसी। ये तो पुराना केसी था, ऐसे लिखते थे, नया केसी ये होगा और केसी ये है, तो केपी भी यही होगा। केपी किसकी वजह से होगा, ओनली प्रेशर ऑफ सीओ टू की वजह से होगा। केपी किसकी वजह से होगा, ओनली प्रेशर ऑफ सीओ टू की वजह से होगा। इसी पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ बच्चों, इसी पॉइंट पे बेस्ड, मतलब ये तो है ही, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहता हूँ। देख लीजिए ये रिएक्शन है आपके पास, ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे, ये रिएक्शन है आपके, ठीक है, ठीक है। ऑल स्पीसीज इनिशियली प्रेजेंट एट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 mEq, एट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 mEq एंड KC is equal to 9, find the concentration of C at equilibrium, find the concentration of C at equilibrium। देखें इसका आंसर कौन मुझे जल्दी से बताएगा, जिसका फंडा क्लियर होगा वही बता पाएगा, वरना तो बैठे हो, जिसका फंडा क्लियर होगा वो मुझे आंसर बता दो जल्दी से इस पॉइंट का। भाई ये एक रिएक्शन दे रखी है मैंने, ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है यहाँ पे, ये इस रिएक्शन के रिएक्टेंट है और ये इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स है। अब आपसे ये पूछा है हमने, ये आपसे यहाँ पे ये पूछा है मैंने कि इनिशियली सब सबको चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उनका कितना कंसेंट्रेशन है, 1 mEq है, तो 1 mEq कंसेंट्रेशन है, और केसी की वैल्यू इक्विलिब्रियम आ जाता है जब केसी की वैल्यू 9 है, तो मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पे सी का कंसेंट्रेशन कितना होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम, जल्दी से निकालो, देखिए कितने बच्चों का करेक्ट आएगा आंसर, देखते हैं, लेट्स चेक दिस आउट। कर दो, कर लो दुनिया मुट्ठी में, जल्दी से आंसर बता दो भाई, जल्दी 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 सॉल्व करें सारे बच्चे। बताओ अब आंसर, पॉइंट फाइव नाइन। बच्चों बातें नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नीट एग्जाम इज कमिंग फॉर यू। क्या आंसर होगा जल्दी से बता दो, क्या आंसर होगा जल्दी से बता दो,
जल्दी से सोचो क्या आंसर होगा। 5.5। चलो देखो क्या लिखोगे। टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर ये वन था, ये वन था, ये वन था, ये वन था। थोड़ी देर बाद टी इक्वल टू, जब टी इक्विलिब्रियम आ गया, टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम आ गया, तो ये वन माइनस एक्स, ये वन माइनस एक्स, ये वन प्लस एक्स, और ये भी वन प्लस एक्स हो गया। ये वन माइनस एक्स और वन, वन तो इनिशियली था ही, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स हो गया। केसी का वैल्यू अगर देखोगे तो 9 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सो दिस इंप्लाइज 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, सो दिस इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू 4x एंड x इज इक्वल टू 1 बाय 2, दैट विल बी 0.5। x की वैल्यू कितनी निकाल ली, 1 बाय 2, दैट विल बी 0.5। तो x की वैल्यू अगर 0.5 आई, हमसे पूछा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम वो कितना है, 1 प्लस एक्स है, दिख रहा है आपको 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस 0.5, दैट विल बी 1.5। कितनों का सही आया, सच सच बताओ कितनों का ये आंसर आ गया था। और नहीं आया तो आप समझ आया कैसे सॉल्व करना है, नहीं आया तो आप समझ आया कैसे सॉल्व करना था, बोलो समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है इसको। बहुत सिंपल कैलकुलेशन दी थी मैंने ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, समझ आ गया। ओके ओके ग्रेट, समझ आ गया होगा बहुत सारे बच्चों का आंसर। चले आगे की ओर। ओके बहुत बढ़िया, हो गया तो अच्छी बात है। सो दिस वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि भाई यहाँ पे क्या क्या होता है। अब बच्चों इन क्वेश्चन से भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो मान लो ये एक क्वेश्चन है आपके, फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन है, तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे प्योर सॉलिड कौन है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड कौन है, इस एक्सप्रेशन में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड कौन है, तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड कौन है इस एक्सप्रेशन में अगर आपको दिख रहा हो तो वो है Ag2O और ये है H2O, ये है Ag2O और ये है H2O, ठीक है। Ag2O सॉलिड और Ag2O लिक्विड, Ag2O सॉलिड्स और Ag2O लिक्विड, ये है प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड आपके इस एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे एक्वस है, ये भी यहाँ पे एक्वस है, ये यहाँ पे एक्वस है, ये भी यहाँ पे एक्वस है, तो Kc का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का वैल्यू कैसे लिखोगे, ये लिखोगे आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgNO3 का होल स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgNO3 का होल स्क्वायर जो यहाँ पे लिखा है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 का होल स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 का होल स्क्वायर। बस Kc किस पे डिपेंड करेगा, AgNO3 पे और HNO3 पे। Kc किस पे डिपेंड करने वाला है, ओनली ऑन AgNO3 एंड HNO3 पे, क्लियर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड गिव्स यू 2 CO गैस इज 3 एट 1000 केल्विन इफ इनिशियली प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.48 बार एंड प्रेशर ऑफ CO इज 0 बार एंड प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड CO2। तो यहाँ पे देखो ये तो ये कार्बन को तो भूल जाओ, क्यों भूल जाओ, क्योंकि ये तो है प्योर सॉलिड, ठीक है। और बोला है कि भाई इसका प्रेशर है 0.48 और प्रेशर ऑफ CO 0 है, 0.48 है। थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 0.48, ये किसका प्रेशर है, CO का है, ये किसका है, CO2 का है, ठीक है, ये किसका है, CO का है और ये किसका है, CO2 का है, समझ गए मेरी बात, ये है CO का और ये है CO2 का। सो Kp का वैल्यू क्या हो गया, Kp का वैल्यू क्या होगा, प्रेशर ऑफ CO अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ CO2। सो Kp का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करा इन्होंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स आ गया एंड देन प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 वी आर गोइंग टू गेट, प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 वी आर गोइंग टू गेट फाइनली। ओके चलिए ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब क्या क्या एप्लीकेशन है इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ये हम देख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैव कॉन्स्टेंट वैल्यू एट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब कब डिफाइंड होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, एकदम सही है कि भाई जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो टोटली इंडिपेंडेंट है, टोटली क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसके इंडिपेंडेंट है, टोटली
किसके इंडिपेंडेंट है बच्चा? टोटली, इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टेंट्स, ठीक है। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट हैविंग वेरी यूनिक वैल्यू। एक और बात अब ध्यान से समझिए, अगर के जो के इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है, इसको एक वरदान मिला हुआ है ना, इसको एक क्या मिला हुआ है, इसको एक वरदान, एक मैजिकल पावर मिली हुई है, ठीक है, जैसे सुपरमैन है, आयरन मैन है, तो इसको भी इस ये जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है, इसको भी एक सुपर पावर मिली है। क्या सुपर पावर है इसकी? इसकी सुपर पावर ये है कि ये वैल्यू, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब आपको पता है एक ना एक लूप होल होता ही है, कुछ ना कुछ लूप होल होता ही है कि आयरन मैन भी ये चीज ले आओ तो मर जाएगा, है ना, थॉर भी मर जाएगा अगर आप क्या ले आओ, क्या होता है उसके प्लैनेट पे होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वाइब्रेनियम, है ना, ये ले आओ तो मर जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है, ये कब चेंज होगा? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी बदलेगा जब क्या बदल जाए, टेम्परेचर। टेम्परेचर के पास जो शक्ति है, अगर टेम्परेचर ही चेंज हो गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई नहीं बचा सकता, वो बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात। अगर टेम्परेचर आ गया वहां पे खेल खेलने आप सबके साथ, तो टेम्परेचर वहां पे चीजों को बदल देगा, टेम्परेचर वहां पे चीजों को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदल देगा। बट अगर इस टेम्परेचर की जगह अगर प्रेशर चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो, मोल्स चेंज हो, कुछ भी चीजें चेंज हो, तब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होने वाला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शुड बी सेम देयर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शुड बी सेम देयर, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। मेरे हिसाब से बात समझ आई होगी आप सभी को। हाँ, यस 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 यस, वेरी गुड। द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के बस रेसिप्रोकल में आ जाता है, इनवर्स रिएक्शन के, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के को किसी किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विलिब्रियम की पावर में भी वो नंबर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में भी वो नंबर आ जाएगा। सो लेट अस नाउ कंसीडर द एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू। सो फर्स्ट थिंग व्हाट, प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। यू हैव टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। सेकंड थिंग, यू हैव टू प्रेडिक्ट द रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। थर्ड थिंग, यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड थिंग, यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। सो ये काम में आता है क्या, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट की वैल्यू, कि भाई इक्विलिब्रियम किधर जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, के की वैल्यू निकाल लो, ये सब पॉइंट में। अब ये क्यों काम में आते हैं सारे पॉइंट बच्चों? इसलिए काम में आते हैं कि भाई यार देखो, सिंपल सी बात ये होती है, ये सारे पॉइंट काम में आते इसलिए है कि मैं आपको बता देता हूँ ये सारे पॉइंट क्यों काम में आते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस इज वॉट, द सिंपल रीजन बिहाइंड दिस इज वॉट, दे ऑल हैव द कमर्शियल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, समझे? दे ऑल आर गोइंग टू हैव द कमर्शियल इंपॉर्टेंट और इक्वी, मतलब एक इम्पॉर्टेंस होता है किसी भी मतलब आपको किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में अगर भेजेंगे तो हम क्या चाहेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट बने उसकी मैक्सिमम यील्ड हो। तो उन सब चीज़ों के, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन हैबर्स प्रोसेस बनाते हैं, हैबर्स प्रोसेस अमोनिया बनाने के काम आता है। तो जो अमोनिया है तो उसके लिए कौन सी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन निकले, ऐसी प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन बनाई जाए जिससे हम मैक्सिमम फॉरवर्ड रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करें और आपका रिएक्शन हो जाए झिंगा लाला, समझे मेरी बात? सो चलिए यही है यहां पे। सो जनरली हम क्या बोलते हैं, जनरली हम ये बोलते हैं अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10^3 से ज्यादा है, जनरल है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर 10^3 से ज्यादा है तो प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा रिएक्टेंट के ऊपर। कौन डोमिनेट करेगा? प्रोडक्ट डोमिनेट, प्रोडक्ट विल बी पावरफुल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, ठीक है। जैसे 2.4, तो प्रोडक्ट
इसका देख लो ये भी प्रोडक्ट, और अगर केसी का वैल्यू इससे कम है 10^-3 से भी कम है तो कौन डोमिनेट करेगा? प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, नहीं रिएक्टेंट डोमिनेट करेगा। तो रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और इनके बीच में रहेगी तो एनीथिंग कैन गोइंग टू हैपन, एनीथिंग कैन बी। तो यहाँ पे इसका एक एक आपको यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे ये समझा रखा है कि जनरल है, जनरल है, जनरल है, जनरल सब चीजों के लिए है कि अगर 10^1 पे तो इक्विलिब्रियम पे है, 10^3 है, 10^3 वैल्यू है तो फॉरवर्ड रिएक्शन, 10^-3 से भी कम है तो बैकवर्ड रिएक्शन, समझ गए। अब एक और टर्म इन्होंने डिफाइन कर दी, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? रिएक्शन कोशेंट कुछ भी नहीं है, क्यू है भाई। अपन क्या करते हैं जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं तो केसी की वैल्यू हमने लिखा है मान लो प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो हम वहां पे ये चीज पॉइंट जरूर बोलते हैं कि ये जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है किस पॉइंट पे है, ये किस पॉइंट पे है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किस पॉइंट पे है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो देन वी डिफाइंड अ केसी। बट इन्होंने क्या कहा, रिएक्शन कोशेंट क्या है? रिएक्शन कोशेंट क्यू क्या है? क्यू वो वैल्यू है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के अलावा जो भी वैल्यू है। मतलब जब जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई तो रिएक्शन स्टार्ट होने पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्जन चालू होने लगा, तो किसी भी पॉइंट पे अदर देन इक्विलिब्रियम पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर आप क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हो दैट विल बी नोन एज योर रिएक्शन कोशेंट, दैट विल बी नोन एज योर रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। तो यही है कि उसी को कैसे डिफाइन किया गया है। देखिए यहाँ पे इट इज डिफाइंड इन द सेम वे एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी एक्सेप्ट दैट द कॉन्सेंट्रेशन इन क्यूसी आर नॉट नेसेसरली इक्विलिब्रियम वैल्यूज, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि आपकी कौन सी वैल्यूज हो, इक्विलिब्रियम वैल्यूज हो, वो जरूरी नहीं है। वो आपकी कौन सी वैल्यू हो, इक्विलिब्रियम वैल्यू हो। समझ गए बात को? समझे मेरी बात को सारे बच्चे? चलिए सो देखो, अगर क्यूसी कम है, क्यूसी कम है केसी से, क्यूसी कम है केसी से, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है केसी से, तो जो एक्चुअल इक्विलिब्रियम तो कब अचीव होगा? जब केसी को अचीव कर ले। तो यहां से यहां जाना है तो हमें कहां जाना है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना है। तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। ये वाला सिंबल कौन सा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का सिंबल है, ठीक है। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा है, क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, तो क्यूसी अगर ग्रेटर देन है केसी से तो यहाँ पे ये किस वैल्यू में, किस डायरेक्शन में जाएगी? ये क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है तो ये यहाँ पे कम होना चाहेगा। कम कैसे होगा? जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाए, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए। और क्यूसी की वैल्यू अगर इक्वल है केसी से, मतलब कि वो कोई रिएक्शन अगर नहीं हो रही, वहां पे कोई रिएक्शन अगर नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये दे दिया है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम केसी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और बोला है किसी भी पॉइंट पे क्यूसी ये है। तो क्यूसी कैसे डिफाइन करूंगा मैं? क्यूसी को डिफाइन करूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई का स्क्वायर, ठीक है। सो क्यूसी का वैल्यू वन आ रहा है, क्यूसी वन आ रहा है, केसी ये है, तो मेरे को दिख गया क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यूसी ग्रेटर देन केसी, क्यूसी की वैल्यू वन, केसी की वैल्यू गिवन थी, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? रिवर्स डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली है। समझ आई बातें अभी तक? अभी तक सब कुछ समझ आया सभी को? सब लोग जिंदा हैं? आर यू ऑल अलाइव? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी बच्चों को? सब चीज सबको समझ आ रही है? आर यू ऑल अलाइव? सबको सब कुछ समझ आया? क्यूसी ग्रेटर देन केसी है या क्यूसी लेस देन केसी है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बातें करते हैं। यहाँ पे अब हम आगे की बात करते हैं। ये एक दूसरे से बातें बातें करना बंद कर दो भाई, खुद की सुनो, है ना, अपनी सुनो।
है ना, अपने अपने आपस में बातें करना बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चों, है ना। वहां पे है ना, आप एग्जाम दोगे ना तो वहां पे ये चीज अलाउड नहीं होती, वहां पे बस पढ़ाई अलाउड होगी। क्वेश्चन करो और मस्त रहो, ठीक है। हाँ वही लग रहा है, वही मुझे कमेंट सेक्शन में लग रहा है, आशिकी चल रही है, दिल टूट रहे हैं, दिल जुड़ रहे हैं, तो ये दिस शुड नॉट बी हैपन। पढ़ाई पे ध्यान दो, ये अभी बहुत आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है इन सब चीजों के लिए, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे दो, मेक योर ओन करियर, ठीक है, सबसे आगे निकल जाओ, सब कुछ हो जाएगा फिर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं जी, एकदम बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे देखिए बैलेंस इक्वेशन रिएक्शन की, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे कैसे हम रिएक्शंस को करते हैं, और ये कुछ मेथड हैं जिनसे आप कर सकते हैं। इनमें सिंपल सा मेथड, मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। जैसे ये बोला है कि 13.8 ग्राम मेरे पास क्या है, N2O4 है, जो हमने 1 लीटर वेसल में डाला है और टेम्परेचर है 400 केल्विन, एंड अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम, एंड अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी 9.15 बार, केसी केपी का वैल्यू वहां पे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी करना है, जहां पे वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, जहां मॉलिक्यूलर मास N2O4 का कितना है 92 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज 13.8/92, दैट विल बी 0.15 मोल्स। ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को भी मोल्स में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, टेस्ट स्टार्ट हो गया, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। गैसियस कांस्टेंट आर की वैल्यू है 0.08, टेम्परेचर है 400 केल्विन, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी कर दो, यू विल गेट द आंसर पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो 4.98 से 0, 4.98 माइनस एक्स, एक्स 2x, तो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दोनों का टोटल कर दिया एंड केपी की वैल्यू निकाल ली। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये कैसे करते हैं अपन, ये सभी को आते होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी किसी को भी। अब डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट से भी ये, इसका भी बहुत बड़ा थर्मोडाइनेमिक इंपॉर्टेंस है इस केमिकल इक्विलिब्रियम का, जो हमने कल भी रिएक्शन पढ़ी थी। क्या इंपॉर्टेंस है, जब भी इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, आपकी डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाता है, -RT ln के, किसी भी पॉइंट पर रहता है, इक्विलिब्रियम नहीं है तो क्यों लिखूंगा। और अगर इक्विलिब्रियम आ गया, है ना, अगर इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम आने के बाद क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, के आ जाती है, तो वही पॉइंट यहां पे लिखा है, एंटी लॉग लिया और आंसर आया। तो देखिए यहां पे, अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ये है तो के की वैल्यू निकालो, सॉल्व इट, ये रहा फॉर्मूला। और आर को हमेशा यहां पे देखो, आर को हमेशा क्या लिखेंगे, आर को अगर एनर्जी कैलकुलेशन होगी तो आर की वैल्यू कितनी लिखनी है, 8.314 लिखनी है। अगर एनर्जी कैलकुलेशन होगी तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी लिखनी है, 8.314 लिखनी है। समझ आई बात, ये रहा, ये रहा पॉइंट, ये रहा हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोलाइज एंड दिस। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, अब आ गए हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम ली चैटलियर प्रिंसिपल पे अब हम लोग आ चुके हैं। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है बच्चा, ली चैटलियर प्रिंसिपल इज दैट थिंग, ली चैटलियर प्रिंसिपल आपसे क्या कहता है, आपसे दुनिया में ये बोलता है ली चैटलियर प्रिंसिपल कि भैया कि अगर तुमने किसी इक्विलिब्रियम को छेड़ा, तो वो चाहेगा कि वो इक्विलिब्रियम का जो जैसा आपने उसको छेड़ा है तो उसको मिनिमाइज करें, उस चेंज को मिनिमाइज करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ एक सिंपल सी बात, कि आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आप लोग एक जगह चुपचाप बैठे हुए हैं, है ना, आप लोग चुपचाप एक जगह बैठे हुए हैं, ठीक है, आप लोग चुपचाप यहाँ पे बैठे हुए हैं और बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चुपचाप यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपका पास में आपका दोस्त बैठा है, तो आपने एक पेन लिया, आपने पेन लिया, आपने पेन लिया, आप पढ़ रहे हैं दोनों, पर आपको थोड़ा मस्ती का मन होने लगा, आपने थोड़ा सा उसका पेन का नीडल उसके लगा दिया, तो उसमें एनर्जी आपने दे दी, उसमें क्या दे दी आपने, एकदम से एनर्जी दे दी, तो वो इधर से उधर भागता हुआ मिलेगा, है ना, वो इधर से उधर भागता हुआ मिलेगा, और आपने एनर्जी एक्साइट कर दी, अब वो मिनिमाइज कैसे होगी, वो जब तक तुम्हें मारे नहीं, जो वो जब तक मिनिमाइज कब तक नहीं होगी उसकी एनर्जी,
जब तक तुम्हें मारे नहीं, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। उसके माइंड की इक्विलिब्रियम स्टेट वो तब तक आएगी जब तक कि वो कॉन्स्टेंटली चुपचाप बैठ नहीं जाए, जब तक कि वो अपना रिवेंज नहीं ले ले आपसे। दैट्स द पॉइंट, समझ आई बात? तो यहीं पे ये चीज है, यहीं पे आपका, हाँ यही यही मैं समझाने वाला हूं आपको। यहाँ पे वही चीज है। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम भी सेम इसी तरीके से है कि भाई चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स, चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम विल कॉज द सिस्टम टू चेंज इन सच अ मैनर एज टू काउंटर अटैक द काउंटर काउंटर आउट द अफेक्ट ऑफ चेंज। ठीक है, हम लोग ये काम करना चाहेंगे, हम लोग हमेशा ये काम करना चाहेंगे कि हम हमेशा इक्विलिब्रियम के चेंज को मिनिमाइज करें, इक्विलिब्रियम का चेंज को मिनिमाइज करें। जैसे कि अगर मैं ये अलग अलग चेंजेस हैं, ठीक है, ली चैटलियर यही करेगा कि यही कहेगा कि मान लो आपने कुछ भी चेंज करा तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, उसका अपोज रिवर्स कर दे ताकि वो वापस वहां पे पहुंच जाए, है ना। मतलब जैसे आपने कोई चीज उल्टी कर दी तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, वापस इसको उल्टा कर दो। तो उल्टे का उल्टा क्या होता है, सीधा होता है। समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? यस और नो? सो वही चेंज को एकदम रिवर्स करना है, चेंज को एकदम रिवर्स कर देना है। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज। सो जैसे ली चैटलियर प्रिंसिपल है, ली चैटलियर प्रिंसिपल की वजह से, ली चैटलियर प्रिंसिपल को क्या करा है आपने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोला है कि मान लो ए प्लस बी इक्विलिब्रियम में है और सी प्लस डी है। ये पहले इक्विलिब्रियम पे थे, ये पहले किस पे थे, ये इक्विलिब्रियम पे थे बच्चों, ये इक्विलिब्रियम पे था। ठीक है, अब मैंने कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन किसकी बढ़ा दी, कॉन्सेंट्रेशन सी की इंक्रीज कर दी। तो अब आप बताओ मुझे इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या लेफ्ट, बैकवर्ड? फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? अगर कंसेंट्रेशन मैंने सी की बढ़ा दी, सी का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने बढ़ा दिया तो कॉन्सेंट्रेशन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? बोलो बोलो जल्दी से बोलो। कंसेंट्रेशन सी का बढ़ा दिया, सी का बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, उल्टे का उल्टा करना। समझो इस बात को, हमेशा ध्यान दो, ये सीधा है, इसको उल्टा करा, वापस इसको उल्टा कर दो, तो मतलब रिएक्शन कहाँ जानी चाहिए, बैकवर्ड जानी चाहिए, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी रिएक्शन। किधर शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। समझ गए? अरे यार फॉरवर्ड कैसे होगी, बैकवर्ड ही तो शिफ्ट होगी, नहीं आया समझ में? समझ आ गया? बस यही है, यही चीज आपको यहां पे समझनी है। पहला फैक्टर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ये रहा तो बैकवर्ड शिफ्ट होती है। यही पॉइंट, इस पे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है रामायण। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बच्चा इनर्ट गैस पे। इनर्ट गैस पे क्या होता है, इनर्ट गैस पे क्या होता है, इनर्ट गैस पे आप ये ध्यान रखें, इनर्ट गैस पे ये होता है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करिए, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करिए, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करिए तो। बट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, अगर वहां पे है कांस्टेंट प्रेशर, तो सिंपल सा करंट ये होता रहता है डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो फॉरवर्ड, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो तो बैकवर्ड, और डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो तो इक्विलिब्रियम। डेल्टा एन जी ग्रेटर जीरो एंड लेस देन जीरो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ग्रेटर इक्वल और जीरो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। समझे मेरी बात? ग्रेटर इक्वल और जीरो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। समझे मेरी बात? समझे सारे बच्चे क्या होगा, ग्रेटर इक्वल और जीरो, ग्रेटर इक्वल और जीरो, समझे मेरी बात हीरो बच्चों? ठीक है, टेम्परेचर चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, टेम्परेचर चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको इस पूरी लाइन का कंक्लूजन बता रहा हूँ, इस टेम्परेचर चेंज का पूरा कंक्लूजन मैं बता देता हूँ। टेम्परेचर चेंज हमेशा ध्यान रखें, हमेशा मेरी बात ध्यान रखें। टेम्परेचर चेंज में मैं आपको बता देता हूँ, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है,
अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना, दो तरीके की हो सकती है, या तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, या तो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, या तो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। सिंपल सी गणित है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपसे कोई नहीं पूछने वाला, बिकॉज के टू के वन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक में बढ़ जाता है, एक में इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कम हो जाएगा। सो टेम्परेचर अगर बढ़ाया, टेम्परेचर दोनों में मैंने इसमें भी इंक्रीज करा और इसमें भी इंक्रीज करा, तो एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो अगर एक्सोथर्मिक है, तो अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच की वैल्यू जो नेगेटिव है एक्सोथर्मिक के केस में, ये क्या होगी, बैकवर्ड चल जाएगी। और ये क्या चल जाएगी इस केस में, एंडोथर्मिक के केस में फॉरवर्ड चल जाएगी। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ आई होगी ये बात, मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यही है, हमेशा अपन बोलते हैं ना हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया को मैक्सिमम कैसे बनाया जाए, तो अमोनिया एक तरीके की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो डेल्टा एच नेगेटिव है, तो अपन को फॉरवर्ड ले जानी है। तो फॉरवर्ड ले जाने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, अभी अभी मैंने आपको समझाया है। तो देखो, सो ऑन रेजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू फॉरवर्ड, इन अदर वर्ड्स लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर द यील्ड ऑफ अमोनिया, बट प्रैक्टिकली वेरी लो टेम्परेचर स्लो डाउन द रिएक्शन एंड दस अ कैटलिस्ट इज यूज्ड एंड दस अ कैटलिस्ट इज यूज्ड। समझे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर के बारे में बात यहीं पे कर रखी है इन्होंने, टेम्परेचर के बारे में बातें यहीं पे कर रखी है। और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट से क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा क्या, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट से क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी क्या, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट से क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी क्या। तुम्हें लग रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर दिया सर, इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट भी चेंज होगा क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करने पे, बताओ। इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपने ये कर दिया तो इस पे कुछ वैल्यू आएगी, कुछ इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। कैटलिस्ट कुछ भी नहीं कर सकता। पिलीच एटले प्रिंसिपल आता है प्रेशर्स के लिए और वॉल्यूम के लिए, प्रेशर का भी इफेक्ट होता है, वॉल्यूम का भी होता है, तो वही मिनिमाइज करना है आपको, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा एनजी लेस देन जीरो में, है ना। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो कम प्रेशर की तरफ जाओ, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कम वॉल्यूम की तरफ जाओ, है ना। तो दैट इज द पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आ गए बच्चे अपन आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो आयनिक इक्विलिब्रियम की सबसे खासियत बात क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम हम आधा चैप्टर पढ़ चुके हैं, अब आयनिक इक्विलिब्रियम पे आ गए। आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होगा, आपका आयन इन्वॉल्व होगा एक्वस सॉल्यूशन में, दैट विल बी योर आयनिक इक्विलिब्रियम। कौन इन्वॉल्व होने वाला है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम में, आपका आयन इन्वॉल्व होने वाला है। तो बच्चों मैं आप सबसे पहले आपको एसिड बेस और ये समझा देता हूं। ठीक है, केमिकल में इतना ही है ना, फिर अभी होमवर्क भी दे दूंगा मैं एनसीईआरटी का, ताकि आप करोगे तो आपको मेहनत मतलब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं अपन लोग। सो This type of equilibrium involving ions in aqueous solution is called ionic equilibrium. It's called ionic equilibrium. Acids, bases, and salts come under the category of electrolytes and may act as either strong or weak electrolytes. ठीक है? Yes. Acid, base, अब acid. देखो सबसे पहले क्या हुआ, एसिड को सबसे पहले भाई सबसे पहले बहुत पहले के जमाने में कैसे भाई एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो एसिड की सबसे पहले कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती थी कि भाई एसिड क्या होते थे, जब टेस्ट करो तो वो कैसे लगते थे, एकदम खट्टे।
सो टेस्ट, दे हैव सो टेस्ट, ठीक है, दे हैव सो टेस्ट, ठीक है, एसेट्स, ठीक है। और बेस क्या होते थे, बेस बेस आर बिटर एंड फील सोपी एंड टच, बेसिस क्या होते थे, बिटर एंड फील सोपी ऑन टच। तो ये पुराने जमाने में बहुत पहले के सालों में ऐसे देखा जाता था, ठीक है। बट यार ये प्रोसेस इतना मजेदार नहीं था, क्यों, क्योंकि सब चीजों को अगर आप चखे टेस्ट करने लगोगे, मान लो कुछ पॉइजनस एसिड है ना, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, अब उनको तुमने चखा तो फिर बताओगे कैसे कि ये खट्टा लगा या मीठा लगा या कैसा लगा, है ना, तो फिर हमारे पास आंसर नहीं आएगा। तो हमने इस थ्योरी को हटा दी, इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया। तो सबसे पहली फेमस थ्योरी आई थी आपकी, सबसे पहली और सबसे फेमस थ्योरी आई थी, दैट विल बी योर अरहीनियस थ्योरी, अरहीनियस थ्योरी फॉर एसेट्स, ठीक है। हमने एक्वस सॉल्यूशन क्यों लिया, क्योंकि इसका दुनिया में सबसे ज्यादा, वाटर का दुनिया में सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 80-81 के आसपास, ठीक है। मतलब ये आराम से हर एक चीज को सेपरेट कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो हुआ क्या, एसिड और बेस की अगर मैं थोड़ी सी आपको कहानी बताऊं, तो उसके बाद जो तो अरिनियस थ्योरी होती है, अरिनियस ने क्या बोला कि भाई एसिड वो होगा, अरिनियस ने ये बताया कि एसिड वो होगा जो एच प्लस डोनेट करे, बेस वो होगा जो ओ एच माइनस डोनेट करे। एसिड उसे बोलेंगे, अरिनियस एसिड उसे बोलेंगे जो एच प्लस डोनेट करें, अरिनियस बेस उसे बोलेंगे जो ओ एच माइनस डोनेट करें। तो एच प्लस ओ एच माइनस, दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन एसिड्स एंड बेसिस। हाँ, वही वही वही, ठीक है। तो बट बहुत सारे फिर ड्रॉबैक आए कि इस थ्योरी में भी मजा नहीं आया, क्यों, क्योंकि बहुत से ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। अरिनियस, देखो ये यहाँ पे पहली थ्योरी आई अरिनियस थ्योरी, कि भाई हम उन्हें बोलेंगे एच प्लस एसिड जो एच प्लस डोनेट करे, बेस उन्हें बोलेंगे जो एच माइनस डोनेट करे, सब लोग खुश, हाँ हाँ भाई ये बोलेंगे। बट यार एच प्लस एक्चुअली में अगर पानी में ढूंढने जाओगे ना, एच प्लस मिलने वाला नहीं है तुम्हें, अगर एक्चुअली में पानी में ढूंढने जाओगे तो एच प्लस नहीं मिलने वाला। एच प्लस किस फॉर्म में एच प्लस क्या होता है, एच प्लस एकदम अनस्टेबल हो जाता है, एकदम अनस्टेबल, एच प्लस बनते ही अनस्टेबल, क्यों, क्योंकि इकलौता इलेक्ट्रॉन था, वो भी तुमने उसकी जिंदगी से छीन लिया, तो अब वो पागलों की तरह पानी में इधर उधर घूम रहा है, पागलों की तरह वो पानी में अब इधर उधर घूम रहा है। तो एच प्लस आयन क्या करता है कि पानी में घूम रहा है, तो सबसे पहले उसको मिलेगा कौन, पानी मिलेगा, तो पानी के साथ कंबाइन होके क्या बना लेता है, एच सी ओ प्लस बना लेता है, पानी के साथ कंबाइन होके क्या बना लेता है, एच सी ओ प्लस बना लेता है। सो दिस फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन, एच सी ओ प्लस, इट फॉर्म्स अ हाइड्रोनियम आयन दैट विल बी एच सी ओ प्लस, दैट विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल, दैट विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल बोला जाता है भैया इसको, समझे, इसका स्ट्रक्चर ओ एच माइनस का भी ऐसा है। तो इट मे बी पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोनियम आयन आपका एच थ्री ओ प्लस ही होगा, पानी और मिल गया इसको, और पानी मिल गया इसको, और पानी मिल गया, तो ये भी बन सकता है, वापस पानी ऐड करो तो H5O2+ भी बन सकता है, ये रहा H5O2+ दिख रहा है आपको, ये रहा H5O2, और पानी ऐड करा, और पानी ऐड करा तो H7O3+, और पानी ऐड करा तो ये बन गया। सिमिलरली OH माइनस के साथ भी ऐसा हो जाता है, OH माइनस में पानी ऐड करोगे तो ये, OH माइनस में और पानी ऐड करोगे तो ये, और करोगे तो ये, समझ आई ये बातें, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि हाइड्रोनियम आयन किस फॉर्म में मिल सकता है, तो अगर ऑप्शन में ये भी हो तो आपको इनको भी करेक्ट करना है, समझे, आया समझ में, बोलो अभी तक कंसेप्ट क्लियर है सभी को। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, सब चीजें क्लियर है, चलें आगे की ओर। ओके नाउ द ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स एंड बेसिस, व्हाट आर द ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स एंड बेसिस, कौन कौन से हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स और बेस, कौन कौन से हैं यहाँ पे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड कौन है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस कौन से है। फिर दूसरी थ्योरी आई, वो डिस्कार्ड कर दी, दूसरी थ्योरी में हमने ये बताया, हम ये बोलेंगे कि एसिड उन्हें बोलेंगे, एसिड उन्हें बोला जाएगा, एसिड उन्हें बोला जाएगा जो एच प्लस को लूज करें, पहले भी यही था अभी भी यही है, एसिड उन्हें बोला जाएगा जो एच प्लस को लूज करें, पर जो एसिड बनाएगा उसको बोलेंगे, जो एसिड बनाएगा उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, और बेस उसे बोला जाएगा जो एच प्लस को एक्सेप्ट करें, ऑन द बेसिस ऑफ एच प्लस एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग कैपेबिलिटी। तो
तो उसको बोला जाएगा कॉन्जुगेट एसेट, उसको बोला जाएगा कॉन्जुगेट एसेट। तो समझे मेरी बात, समझे मेरी बात। एसेट उसे बोला जाएगा, एसेट उसे बोला जाएगा जो कि क्या बना है, कॉन्जुगेट बेस बाय लूजिंग एच प्लस, और बेस उसे बोला जाएगा जो कि एच प्लस को ऐड करते हुए क्या बना दे, कॉन्जुगेट एसिड बना दे। एच प्लस को ऐड करते हुए क्या बना दे, कॉन्जुगेट एसिड बना दे। तो ये बेस है, ये एसिड है, समझ आई। इन्होंने क्या बना दिया अपने रेस्पेक्टिव कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस दे हैव फॉर्म। सो द बेसिक सॉल्यूशन इज फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन इन दिस रिएक्शन। वाटर मॉलिक्यूल्स एक्ट एज अ प्रोटोन डोनर एंड अमोनिया मॉलिक्यूल एक्ट एज अ प्रोटोन एक्सेप्टर एंड दे आर कॉल्ड एज ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड एंड बेसिस। They are known as Bronsted Lowry acids and bases. So, जितना ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होता है और जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, उस हिसाब से एसिड और बेस निकाल लिए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताएं मुझे इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। पानी का कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, पानी का HCO3- का कॉन्जुगेट एसिड एच प्लस एड कुछ, और ये कॉन्जुगेट बेस एसिड बेस एसिड बेस। ये क्वेश्चन देख लो, इसमें सब समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन देख लो, इसमें सब समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन देख लो सारे बच्चे, इसमें सब समझ आ जाएगा आप लोगों को। समझ आया है सारे बच्चों को, समझ आई है बात, कैसे निकालेंगे एसिड से कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस से एसिड, हर एक चीज कैसे निकाली जाती है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया आप सबके सामने, आप सबके आमने सामने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लुईस एसिड बेस, लुईस एसिड बेस बड़े प्यारे हैं। इन्होंने सोचा चलो अपन कुछ अलग ही स्ट्रेटेजी बनाते हैं। लुईस एसिड बेस आए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो लुईस बेस, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो लुईस एसिड। जैसे BF3 है तो ये BF3 यहाँ पे लुईस एसिड है, इसके पास वेकेंट 2p है और ये लुईस बेस है, ये लुईस बेस है। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये देखिए OH- ये किस किस की तरह बिहेव कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा है। ये एक्सेप्ट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो लुईस बेस, लुईस बेस, लुईस एसिड, लुईस एसिड। नाउ वी आर कमिंग टू द एक्चुअल थिंग, व्हाई वी आर गोइंग टू रिक्वायर सो मच ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, व्हाई वी आर गोइंग टू रिक्वायर सो मच ऑफ एसिड एंड बेसिस। बच्चों मैं एक सिंपल सी बात आपको समझाता हूँ कि हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ी। एसिड और बेसिस में भी कुछ वीक हो जाते हैं, कुछ स्ट्रांग हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है ये सब चीजें, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम देखो बेसिक थ्योरी, हम ये बोलते हैं कि भाई यार सर एसिड वो होगा जो एच प्लस डोनेट कर दे। जैसे एच प्लस है और H प्लस पूरा जितना H प्लस था वो डोनेट कर दिया, H प्लस एक था पूरा डोनेट कर दिया, तो इसका मतलब ये कौन सा एसिड हो गया सर, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। इसका मतलब ये कौन सा एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, जैसे HNO3 है, इसने एक H प्लस डोनेट करा तो ये क्या बना दिया, H+ + NO3-, एक H प्लस डोनेट करा तो ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड से, ये क्या बन गया आपका कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो ये इस तरीके से हो गया। बट अगर मैं आपके सामने, अगर मैं आपके सामने ये एसिड लाऊं CH3COOH, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया है ना। अगर मैं आपके सामने ये लाऊं CH3COOH, तो अगर ये H प्लस की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये करेगा CH3CO- + H+, CH3CO- + H+। समझ आ रही है बात। ये है आपका एसिटिक एसिड और इसने H प्लस अगर लूज करा तो ये करेगा आपको एसिटेट आयन और H प्लस दे देगा। अगर ये लूज करा तो क्या देगा, एसिटेट आयन और H+ दे देगा। ठीक है, पर आप एक बात देख रहे हो कि यहाँ पे चार हाइड्रोजन थे, पर क्या इसमें चारों हाइड्रोजन दिए, नहीं दिए, चारों हाइड्रोजन दिए नहीं दिए, एक ही दिया। सो इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा, इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा, वीक एसिड। वीक एसिड आर नॉट कंप्लीटली आयनाइजेबल, वीक एसिड्स आर नॉट कंप्लीटली आयनाइजेबल, और यू कैन से वीक एसिड पूरा का पूरा H+ आयन नहीं देते हैं। वीक एसिड क्या, वीक एसिड वो जो कि पूरा का पूरा जितना हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है आपके पास कहां पे, जितना हाइड्रोजन आइटम आपके पास कहां पे प्रेजेंट है, जितना हाइड्रोजन आइटम कहां पे प्रेजेंट है आपके पास मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, वो नहीं देंगे। ठीक है, दैट विल बी द थिंग। सो एसिड्स एंड बेस यहाँ पे मैंने बता दिए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्गर बेस होगा, है ना, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये तो अपन को पता ही है। नाउ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बड़ा फेमस है, KW बोला जाता है इसको। कैसे निकालते हैं, H2
इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन, समझे। वाटर क्या है, वाटर क्या है आजकल की अगर टर्म में बोलो तो वाटर इज व्हाट, आत्मनिर्भर मॉलिक्यूल। इसको कोई चाहिए नहीं कि तू ले ले एसिड या तू ले ले एच प्लस या तू दे दे मुझे एच प्लस। ये क्या है, वाटर क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है ना, खुद ही पे, खुद ही से एच प्लस लिया, खुद ही ने खुद ही को दे दिया, तो एक कॉन्जुगेट एसिड बन गया, एक कॉन्जुगेट बेस बन गया। ये सबसे बड़ी खासियत है पानी की, समझ गए, ये सबसे बड़ी खासियत है पानी की। एंड दैट विल बी डिफाइंड एज के डब्ल्यू, दैट विल बी नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको बोलते हैं अपन एच प्लस इंटू ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, एच प्लस इंटू ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। एंड के डब्ल्यू की वैल्यू अगर कितनी होगी भाई, पीएच अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, प्योर वाटर के अंदर एच प्लस और ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, सेम होगा। एच प्लस और ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा प्योर वाटर में, सेम होगा। सो दैट विल बी 10 to the power -14 इंटू एम स्क्वायर। यहाँ से डेंसिटी निकाल लें प्योर वाटर की, तो 55.55 आता है। ये नंबर एकदम हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत जगह डायरेक्टली यूज होता है, ये बहुत जगह डायरेक्टली यूज होता है, इसको ध्यान रखें। पानी जो होता है दैट इज 1000 ग्राम पर लीटर, दैट इज 18 ग्राम यहाँ, तो इट विल बी इक्वल टू 55.55 एम। द रेशियो ऑफ डिसोसिएटेड वाटर टू दैट ऑफ अनडिसोसिएटेड वाटर कैन बी गिवन एज 10 to the power -7 अपॉन 55.55, 1.8 इंटू 10 to the power -9, दैट विल बी 2 इंटू 10 to the power -9, दैट विल बी इट। वी कैन डिस्टिंग्विश इट एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक एक्वस सॉल्यूशन बाय द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ HCO प्लस एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। एसिडिक एसिड, न्यूट्रल HCO, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो एसिडिक, OH माइनस का दोनों का इक्वल तो न्यूट्रल, OH माइनस का ज्यादा तो बेसिक। पीएच स्केल बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, दैट विल बी नोन एज पीएच स्केल। और पीएच की वैल्यू 7 less than 7 greater than 7, इस हिसाब से यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, ग्रेटर देन 7 equal to 7 पीएच की वैल्यू पर। आप सब ने घर पे करा होगा इन सब के बारे में एक्सपेरिमेंट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नाउ मेन थिंग कंसर्न, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो हम सब निकाल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में तो हम सब चीजें निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं कि सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सर ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बात मेजर इंपॉर्टेंट आती है आपकी आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट फॉर वीक एसिड्स एंड बेसिस। आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट किन के लिए, वीक एसिड के लिए। वीक एसिड कौन कौन से हैं, वीक एसिड उन्हें बोला जाएगा, वीक एसिड ध्यान से सुनना, उन्हें बोले जाएगा जिनके लिए के की वैल्यू डिफाइन है ना, के इज देयर आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट। ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, अगर कंप्लीट आयनाइज होगा तो उसका कभी के का वैल्यू डिफाइन नहीं होगा। फ्लोरिक, एच एफ एसिड, एच एन ओ टू, फॉर्मिक, नाइसिन, एसिटेक, बेंजोइक, हाइपोक्लोरस, हाइड्रोसाइनिक, फिनॉल, ये सारे के सारे कौन से हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं, ये सारे के सारे वीक एसिड हैं। ये सारे के सारे कैसे एसिड है बच्चा, वीक एसिड हैं। ये सारे के सारे कौन से एसिड है, वीक एसिड्स हैं, ठीक है। तो वीक होगा तो अल्फा को लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ 100% आयनाइजेशन होगा नहीं, अल्फा इज एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, और के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अगर आपको कैलकुलेशन सिंपल करनी है तो जनरली व्हाट वी डू, कैलकुलेशन अगर आपको सिंपल करनी है तो हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये करते हैं कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, 1 माइनस अल्फा को, 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 बता देते हैं, 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 बता देते हैं, ठीक है। सो किसी भी गिवन टेम्परेचर टी पे के की वैल्यू इज द मेजर ऑफ द एसिड, दैट इज एच एक्स। लार्जर, जितना ज्यादा के का वैल्यू होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, जितना ज्यादा के का वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड, ध्यान से सुनना ये बात को, के का वैल्यू जितना ज्यादा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड, और पी के का वैल्यू जितना कम उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। ए पी के ऑल ऑफ द थिंग्स वी हैव कैलकुलेटेड, कैसे निकालते हैं यहां पे दे रखा है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, देख लो इस क्वेश्चन को, ये रहा ये इसके लिए, ये रहा एक इसके लिए, वाटर के लिए ये होता है 10 to the power -14। सो यहाँ पे देख लिया एच एफ के लिए अल्फा के, वही इक्वेशन लगाई, कौन सी वाली, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा को लगभग अपन 1 मान सकते हैं फॉर जनरल ऑफ द इक्वेशन, कम नहीं मानेंगे, अल्फा की वैल्यू जब 5% से कम होगी, ज्यादा होगी तब नहीं मानेंगे।
सो वीक कॉन्स्टेंट वीक एसिड के लिए वो था, तो वीक बेस के लिए क्या हो गया, ये हो गया के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा स्क्वायर, ये वीक बेस के लिए हो गया। वीक बेस कौन कौन से हुए आपके, ये हो गया अमाइन, डाइमिथाइलामाइन, डाइमिथाइलामाइन, अमोनिया, क्विनीन, पिरिडीन, एनिलीन, यूरिया, ये दीज ऑल आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर वीक बेसिस। वीक बेसिस फिर यही है, पी के बी इज माइनस ऑफ लॉग के बी, के बी ज्यादा तो बेस की स्ट्रेंथ ज्यादा, मतलब पी बी के बी की वैल्यू सबसे कम। रिलेशन बिटवीन के एंड के बी इज वॉट, रिलेशन बिटवीन के एंड के बी इज वॉट, के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। रिलेशन बिटवीन के ए इंटू के बी, देखो जब भी कोई दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन को ऐड करते हो, जब भी दो कोई दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन को ऐड करते हो तो नई इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां से आता है, वन मल्टीप्लाइड बाई टू, वन इंटू टू, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो। सो वैसे ही के नेट कितना हो जाता है, जब भी आप किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को ऐड करते हो तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है वन इंटू टू। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, मतलब के इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू एंड पी के प्लस पी के बी दैट विल बी इक्वल टू पी के डब्ल्यू। नाउ पॉली एसिडिक, पॉली एसिड्स, डाइबेसिक, डाइबेसिक, पॉली एसिडिक, जो डाइबेसिक हो, जैसे एच टू एस हो गया, एच टू एस हो गया, ठीक है, दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज अ वीक एसिड। सो दो वैल्यू आएंगी, के वन आएगा पहले, एक एच प्लस डोनेट करेगा, फिर दूसरा एच प्लस डोनेट करेगा के टू। तो जनरली क्या होता है, के वन इज ग्रेटर देन के टू, दूसरे में मुश्किल हो जाता है आयनाइजेशन, के वन इज ग्रेटर देन के टू, इस हिसाब से अपन डिस्कस करते हैं। और कैसे डिस्कस करते हैं अपन, स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर, कि कौन अच्छा एसिड है, एच एफ अच्छा एसिड है जो एच प्लस इजीली दे देगा। कॉमन आयन इफेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, सिंपल की सिंपल सी बात समझना मेरी, ए बी है, ए बी इक्विलिब्रियम में है तो बता रहा है ये ए प्लस और सी माइनस, ए प्लस और सॉरी सी माइनस लिख रहा हूं मैं यहां पे लिख देता हूं ए प्लस और बी माइनस है। अगर मैंने इसी के अंदर ए सी भी डाल दिया, इसी के अंदर ए सी भी डाल दिया, तो ए सी में ये बना रहा है मेरे पास ए प्लस और सी माइनस, इसी में आई एडेड दिस ऑल्सो। कॉमन आयन कौन सा दिख रहा है आपको, कॉमन आयन कौन सा दिख रहा है, ए प्लस, ए प्लस कॉमन आयन है, ए प्लस इज कॉमन आयन। तो होगा क्या, जो नया इक्विलिब्रियम होगा, जो नया इक्विलिब्रियम होगा उसमें एकदम से ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, मान लो यहाँ पे सी वन था, मान लो यहाँ पे सी टू था, पर यहाँ पे भी अब सी टू प्लस सी वन हो गया, यहाँ पे भी सी टू प्लस सी वन हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि फॉरवर्ड जा रहा था इक्विलिब्रियम, अब डिस्टर्ब हो गया, क्यों, क्योंकि एकदम से सी वन बढ़ गया। तो इस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, अकॉर्डिंग टू ली चैटली प्रिंसिपल, इस कॉमन आयन को इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए इक्विलिब्रियम अब हमारा किधर जाना चाहिए, बैकवर्ड जाना चाहिए। इक्विलिब्रियम अब हमारा किधर जाना चाहिए, बैकवर्ड जाना चाहिए। इक्विलिब्रियम अब हमारा किधर जाना चाहिए, बैकवर्ड जाना चाहिए। इक्विलिब्रियम अब हमारा किधर जाना चाहिए, बैकवर्ड जाना चाहिए। समझ आई बात सारे बच्चों को, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो दैट इज द कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। इन ऑर्डर टू इवेल्यूएट द पी एच ऑफ द सोल्यूशन रिजल्टिंग ऑन एडिशन ऑफ 0.05 mg एसिटेट आयन, 0.05 mg एसिटिक सोल्यूशन, वी शॉल कंसिडर द एसिटिक एसिड सोल्यूशन इक्विलिब्रियम वंस अगेन, दैट इज एच ए सी इज इक्वल टू दिस एच प्लस एंड ए सी माइनस। ये वही पॉइंट वापस से दे रखा है और के पी एच का वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कब होता है बच्चा, हाइड्रोलाइसिस तब होगा जब आपका, देखो हाइड्रोलाइसिस कब होगा, जैसे NaCl है, इसको पानी में डाला, पानी में डालोगे तो आपको इक्विवेलेंट NaOH और HCl मिल जाएगा, इक्विवेलेंट NaOH और HCl मिल जाएगा, जिनका pH लगभग वाटर का कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है। एक जगह से H+ आयन निकले, एक जगह से OH- आयन निकले पानी, तो pH का वैल्यू लगभग 7 ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला। बट होता क्या है, जब इर कैटायन और एनायन ऊपर नीचे हो जाए, मतलब कि जैसे देखो हाइड्रोलाइसिस कब होगा, जैसे वीक एसिड हो जाए स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, ये रहा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए वीक बेस हो जाए, ये रहा, और वीक बेस या वीक एसिड हो जाए। तो यहां पे देखो कैसे होता है ये, इस केस में देखो इसमें कौन हाइड्रोलाइसिस में जाएगा, इसमें हाइड्रोलिसिस में कौन जाने वाला है, इसमें आपका एनायन जाने वाला है, क्योंकि इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो Na+ ही रहेगा।
ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा तो यहाँ पे बेसिक मीडियम जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे कौन है जो वीक होता है वो हाइड्रोलिसिस में जाता है, ये चल गया। सो यहाँ पे एच प्लस जनरेट हो गया। और अगर दोनों ही हैं तो दोनों हाइड्रोलिसिस में जाएंगे तो इसका पीएच निकलता है 7+ हाफ PKa - PKb। तो मैं आपको ये बता देता हूँ बच्चों, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ये करना है, इसमें आपको ये करना है। मैंने मेरा एक लेक्चर है फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट फॉर्मूला, फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट फॉर्मूला करके एक लेक्चर है ना, कंप्लीट फॉर्मूला करके एक लेक्चर है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो उसको आप जरूर देख लें एक बार। उसमें मैंने इन सबके फॉर्मूले भी डिस्कस कर रखे हैं, तो दैट विल बी इट फॉर यू, दैट विल बी इट इनफ फॉर यू। ठीक है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे आप लोग समझते हैं ब्लड इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन वो होता है कि जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, पीएच को बदलने देता है, चाहे तुम थोड़ा सा एसिड डाल दो चाहे तुम थोड़ा सा बेस बढ़ जाए, तो पीएच चेंज को वो कांस्टेंट रखता है उस सॉल्यूशन के। सो दैट विल बी योर बफर सॉल्यूशन। तो बफर दो तरीके से बनता है, एसिडिक बफर होता है और बेसिक बफर होता है। एसिडिक बफर कब बनाएंगे? एसिडिक बफर बनाने की कंडीशन होती है वीक एसिड लो प्लस उसका सॉल्ट होना चाहिए, वीक एसिड प्लस सॉल्ट होना चाहिए उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे कि अगर मैं पूछूं आपसे NaOH का CH3COOH के साथ ये बफर बना सकते हैं? हाँ ये बफर बना सकते हैं। यहाँ पे NaOH को लिमिटिंग रिएजेंट होना पड़ेगा तो ये एसिड रहेगा और इसका सॉल्ट बन जाएगा, तो एसिड प्लस सॉल्ट हो जाए इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। और इसके लिए पीएच कैसे निकाला जाता है, ये बहुत फेमस इक्वेशन है, हैंडरसन हैजल इक्वेशन। इसको पीएच निकाला जाता है, पीएच निकाला जाता है पीके प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ, ये क्या है, ए माइनस किसका कंसेंट्रेशन, सॉल्ट का, ये वाला किसका कंसेंट्रेशन, एसिड का। सिमिलरली बेस के लिए भी सेम ऐसे ही निकालना है, पीएच इज इक्वल टू पीके भी करके बेस के लिए भी सेम ऐसे ही निकालना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर सॉल्युबिलिटी, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद क्वेश्चन की बरसात हो जाएगी, है ना, मेरे हिसाब से ये लास्ट पॉइंट है आपका इस पॉइंट पे, है ना, सॉल्युबिलिटी। हाँ बस हो गया, फिर थोड़ा सा आप थोड़ी देर और रुक जाओ, बस होने वाला है ये। इसको भी मैं समझा देता हूँ सॉल्युबिलिटी क्या होता है बच्चा लोग, ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर और बाकी है, जस्ट वेट एंड वॉच। चलिए सॉल्युबिलिटी देखो, दो तरीके के सॉल्ट होते हैं, एक तो होते हैं हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, एक होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, एक होते हैं हाईली सॉल्युबल सॉल्ट और एक होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। हाईली सॉल्युबल सॉल्ट जैसे आपका हो गया HNO3 हो गया, है ना, ओ सॉरी सॉल्ट बोल रहा हूं मैं, एसिड लिख रहा हूं, KNO3 हो गया, ठीक है, KNO3 हो गया आपका, या फिर मैं आपको बोल दूं NaNO3 हो गया, नाइट्रेट सॉल्ट आर सॉल्युबल। जो स्पेरिंग, ये तो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पेरिंग सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वो होते हैं जैसे जो कंप्लीटली सॉल्युबल ना हो, जो जैसे ही मैंने उनको एक्वा सॉल्यूशन पानी में डाला ओनली कुछ आयंस बनाए, नेग्लिजिबल डिसोसिएशन हो, बहुत कम डिसोसिएशन हो रहा है, बहुत एकदम नेग्लिजिबल डिसोसिएशन हो रहा है, समझ रहे हो? सो बट देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिसॉल्व्ड सॉलिड एंड द कुछ आयन जो सॉल्यू कौन सा आयन जो एक्वा सॉल्यूशन में गए। सो यहां पर नया इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट डिफाइन करते हैं, दैट इज KSP, और ये लिख देते हैं Ba+2 और SO4, क्योंकि ये प्योर सॉलिड है, इसको तो वन ही रखना है, इसमें तो ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है। सो दिस KSP इज नोन एज योर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दिस KSP इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। और दोनों का कंसेंट भाई BaSO4 से निकले हैं, तो दोनों आयन BaSO4 से निकले हैं, तो इनका मोलर सॉल्युबिलिटी कितना होगा, एस होगा, मान लो BaSO4 का एस है तो इनका भी एस और एस, तो ये हो गया S2। जिरकोनियम फॉस्फेट है तो ये हो गया जिरकोनियम फॉस्फेट, क्या हो गया ये है Zr3PO4 whole 4, तो ये हो गया 3Zr+ 4 times PO4 3-, सो ये हो गया इसका 3s, इसका हो गया 4s, तो इसका KSP लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3s का क्यूब और वो हो जाएगा 4s की पावर 4, वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। और सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होगी, हमेशा ध्यान रखना, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, जनरली यूनिट होती है इसकी मोल पर लीटर, आप ग्राम पर लीटर में भी लिख सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करना है, बस मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। और जनरल किसी भी आयन का कैसे लिख सकते हैं,
केस पी एम पी प्लस एक्स एक्स क्यू माइनस वाई दैट विल बी गिव यू एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस वाई। समझ आई बात। सो ये देखिए ये कैलकुलेशन भी दे रखी है ए टू एक्स थ्री है नाइदर काइंड, तो इसका केस पी क्या होगा, तो ये निकाल लिया केस पी, ये रहा टू एस का होल स्क्वायर एस की पावर फाइव, एस की वैल्यू निकाल दी सॉल्युबिलिटी की। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिंपल आते हैं ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। कॉमन आयन इफेक्ट एज यू ऑल नो कॉमन आयन इफेक्ट को, जैसे मान लो यहाँ पे ये है, जैसे आपको निकालनी है सॉल्युबिलिटी निकल हाइड्रोक्साइड की, बट मैंने वहां पे क्या निकाल दी NaOH भी डाल दिया, तो कॉमन आयन हो गया, निकल हाइड्रोक्साइड है वहां पे NaOH भी डाल दिया तो वहां पे पंगे हो गए। क्या पंगे हो गए, क्योंकि कॉमन आयन बन गया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले बच्चा मेरे पास है निकल हाइड्रोक्साइड ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम पे था, तो इक्विलिब्रियम में था तो मैं Ni प्लस टू प्लस OH माइनस था, ये 2s था, तो s थी इसकी 2s थी, अब मैंने उसमें NaOH जा डाला, तो NaOH तो कंप्लीटली आयनाइज होता है Na प्लस और OH माइनस में, कंप्लीटली आयनाइज होगा, तो इसका कंसेंट्रेशन अगर C था तो इसका कंसेंट्रेशन C प्लस और C, अब ये कॉमन आयन हो गया OH माइनस OH माइनस, तो इसकी कंसेंट्रेशन C प्लस 2s, इसकी भी C प्लस 2s, तो Ksp जो NiOH होल ट्वाइस का था, तो ये हो जाएगा निकल प्लस 2 इंटू OH माइनस का होल स्क्वायर, बट निकल प्लस 2 तो एस ही है, पर ये क्या हो गया 2s प्लस C का होल स्क्वायर, 2s प्लस C का होल स्क्वायर, और एज यू नो भाई ये तो स्ट्रॉन्ग हाईली आयनाइजेबल है, तो C इज ग्रेटर देन 2s, तो ये क्या हो गया s इंटू 2s का होल स्क्वायर, वही पॉइंट यहां पे लिख रखा है, वही सेम पॉइंट यहां पे लिख रखा है कि दैट 2s इज वेरी लो देन C, सो ये हो गया s इंटू 0.1 का स्क्वायर, तो निकल का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, सॉल्युबिलिटी आ गई ठीक है, यही कैलकुलेट कर रखा है। So that will be it for chemical and ionic equilibrium. I hope you like this video. Thanks for being connected, watching this video. Do like and share guys, बच्चों, और नीट फोर देना है। अब मैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी रिविजन करवाने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी हम लोग रिविजन करने वाले हैं बहुत ही सुंदर तरीके से ठीक है। सो कनेक्ट रहे, नीट 2020 में अपन मचाने वाले हैं केमिस्ट्री में, और मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं बाय यूजिंग द कोड HJLive, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, वहां पे आप मुझसे मेरे प्लस कोर्सेज के बारे में एक साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।